फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है स्वाचार्य ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है सावन सोमवारी व्रत पहला, और आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भोलेनाथ कृपा सब पे बने रहे हैं। और अभी हम लोग हैं कि अभी बचलो सब किस को चले गए हैं, हमारा नहाना धाना सब हो गया है, और इधर कुछ फल वगैरह सब आया है मेरे घर में, तो आपको दिखाती हूँ और कौन कौन अपने घर में पूजा किए हैं, कौन कौन सोमवारी व्रत रखे हैं, आप लोग सावन पूजा चलता है कि नहीं चलता है, आप लोग घर में कैसे इंजॉय करते हैं, कौन भी चीज़ लेके ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत सारे हैं, अभी 5 ठीन सा सोमवारी हो रहा है, तो मैं अभी नाज नहीं की हूँ, मैं करूँगी। अभी अंधेरिया वाला है ना, इसलिए मैंने करी इंजोरिया वाला मैं करती हूँ व्रत, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अगला सोमवार से देखा जाएगा, इस वजह से नहीं कर रही, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। और कुछ फल वगैरह सब इसको पापा को पता नहीं था, उनको लगा कि मैं करूँगी पूजा, तो इसके लिए वो फल सब ला के यहाँ सब धो दिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आम लाए हैं, देखिए यहाँ एप्पल ला दिए हैं, देखिए वो मार्केट तरफ गए थे, तो उनको लगा कि मैं सोमवारी पूजा करूँगी, तो सावन पूजा, तो इसलिए देखिए डंठल लगी हुई आम, देखिए कैसे दिख रहे हैं। तो आए तो बोले कि पूजा के लिए ला दिए हैं ये सब, मैंने बोला आप लोग ये लोग सब करके आ गए हैं सुबह पूजा वगैरह सब, सुबह ही पूजा करके एक बार के पापा पूजा करने गए थे, बाबू लोग सब मैंने दोनों गए थे, सबको जल चढ़ा उढ़ा कर शंकर भगवान जी पर आ गए हैं इन लोग, चले गए हैं स्कूल, थोड़ा देर में आएंगे ही, अब टाइम हो रहा है आने का। और मैं उन्हें बोली कि अभी मैं नहीं करूँगी, वो सोमवार से मैं शुरू करूँगी पूजा वगैरह सब। तो होता है ना, 5 सोमवारी इंसर हो रहा है, तो आप चाहे तो 5 कर सकते हैं ना, तो फिर एक अंधेरिया और इंजुरिया रहता है, तो 2 इसमें कर लीजिए, 3 उसमें कर लीजिएगा, या 2 इसमें कर, 3 इसमें कर लीजिए, 2 उसमें कर लीजिएगा, सबके अपने अपने मान्यता है पूजा पाठ करने होने का, आप चाहे तो सब कर सकते हैं। तो इधर मैं खाना वगैरह ये सब चढ़ाने बनाने के रेडी कर रही हूँ इधर, तो इधर मैं चढ़ा दी हूँ, इधर इधर चावल बन रहा है, इधर देखिए कुकर में दाल बन रहा है, अभी सीटी दे रहा है, अभी सीटी अभी 1-2 सीटी मारा है, दाल हो जाए इसके बाद मैं बंद कर दूंगी गैस को, ऑफ कर दूंगी। चलिए बच्चे लोग आए तो मैं आपको मिलवाऊंगी। नहीं टूटेगा बेटा, हाँ उतना ऊंचाई पे है, नहीं टूटेगा, अरे नहीं टूटेगा बेटा, बच्चे लोग खेल रहे हैं, शाम हो गया है, इधर लोग खिला रहे हैं खड़ा होकर, चारों का मौसम देखिए कैसा किया हुआ है यहाँ पे। बाबू दिखाओ इधर कैसा तोड़ा, कैसा मिला देखिए, बड़ा बड़ा मिला, बड़ा बड़ा मिला, देखिए इधर आया है साग सब्जी वगैरह ऐसा, मोनू को भिड़ा दिए हैं काम करने के लिए, मोनू बोर हो रहे थे इसलिए, हाँ कुमार वगैरह बना के एकदम बोर होते हैं ना। अच्छा आप मेरा हेल्प कर दे रहे हैं ना, और टीवी भी देखेंगे तो लाइन कट जाता है, बस बटन स्विच ऑन करेंगे टीवी वाला लाइन गया। क्या क्या सब्जी आया है आया है लाइन ना, देखिए सब सरिया और या दिया है बाबू, भिंडी है और आलू भी है यहाँ, अच्छा यहाँ देखिए आलू है, इसमें आटा आया है और मिर्चा भी है थोड़ा थोड़ा, प्याज बहुत महंगा हो गया है मार्केट में ना, शायद गलती से डलाया है, ग्रीन सब्जी को ग्रीन मिल रहा है, यहाँ देखिए गिनी को मस्ती कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है मम्मी का, करती है कभी कभी, इसको आए लेकिन मन नहीं है ना बेटा, हाँ, ग्रीन सब्जी को ग्रीन में रखा, हाँ।
चलिए सब रखिए पटपट आप लोग, और इसमें भी रख सकते हैं बेटा, इसमें भी प्याज रखिए, इसमें भी रख सकते हैं आप लोग। ये देखिए सब्जी रखने वाला स्टैंड, आप लोग कैसा लगता है, पसंद आया कि नहीं पसंद है, किन 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 के घर में ये स्टैंड है सब्जी रखने वाला, मैं कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। बाबू जब छोटा था ना मुनु, तो उस टाइम में क्या करता ना, चक्का निकाल देता था और इस चक्का को ना चला चला के इसको गाड़ी से खेलता था। इसमें चार ठो है, इसको हम लोग क्या करते थे ना कि चलाने की वजह से इसको चक्का सब निकाल देते थे, और क्या करता था कभी कभी चक्का भी लेके भाग जाता था, नहीं देते थे खेलने के लिए। तो इसका बचपन का कहानी बता रहे हैं हम आपको। बचपन में हम बहुत बिजी इंसान थे, किसी का बात नहीं माना, अपना मन मर्जी करे। इसमें आटा है, यहाँ आलू आया है नहीं? आता भी है। इसमें आटा है, दिखा रही हूँ आप सबको, गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा, देखिए आटा इसमें है, आटा खत्म हो गया था। एक मिल है ना जहाँ पे बहुत अच्छा आटा मिलता है, गेहूँ का पैसा रहता है, पैकिंग नहीं रहता है, रहता है। इधर लगा दिए थे न्यूज, इन सब देख रहे थे, पता नहीं किधर चले गए इसके पापा अभी। मार्केट गए हैं, कुछ सामान खरीद गया था पापा को, सीजन लाने गए हैं। अच्छा चलिए ठीक, सब सरिया दीजिए बेटा, इधर मैं खाना बनाने जा रही हूँ तब तक। बाबू उसमें नहीं रखो, उसमें नहीं रखो, चल इसमें नहीं आएगा बेटा, इसमें और है, नीचे कुछ रख के तब रखना था बेटा, सब जानता है पता होता है, सब दिन लगेगा, सब खराब हो जाएगा। इधर बाबू मेरा हेल्प कर दे रहा है, फिर पर काम करा दे रहा है, उधर मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ये सब्जी वगैरह सब बना ली हूँ, तरह रोटी बनाना से बाकी है। पता नहीं मम्मा क्या बना रहे हैं, उनको भी नहीं बताइए। आप ही को पसंद बना रहे बेटा? पक्का? आप ही को पसंद बना रही हूँ। खत्म हो गया, भिंडी है, भिंडी है और एक पिसार है। चलो ठीक है, देर नहीं करते हैं, जाती हूँ मैं खाना वाले से बनाने के लिए, सब्जी वगैरह बना ली हूँ, सब्जी में दिखाती हूँ मैं क्या बनाई हूँ आज। सब्जी वगैरह सब जगह ठप नहीं था, तो पापा लेकर आ गए हैं, और शाम में एकदम गए थे, लगता है मार्केट खत्म हो गया होगा, तो सिर्फ भिंडी नेनुआ ही मिला, प्याज लेकर आ गए, मिर्चा था मेरे पास। दिखाती हूँ क्या बनाई हूँ खाना में, सब्जी में क्या बनाई हूँ दोस्तों, सब्जी में क्या बनाई है, अभी तो सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। आलू सोयाबीन की सब्जी, इधर आटा गूंथ लिए, क्या लिए है, कहा है बाहर से सब लेते रहते हैं, गंदा गंदा हैंड वॉश किए थे उसको, हो गया ना। चलिए खाना खाने, अब चलिए चलिए। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी है शाम और मम्मी को कुछ कर रहे हैं खाने का, और देखिए मम्मा क्या बना रही है, क्या बना रही हो माँ? कुछ बना रहे हैं स्पेशल, मुझे भी नहीं पता, कुछ तो बना रही है, चलेगा अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। ये आटा है कि मैदा? सिर्फ आटा है इसमें, इसमें आटा डाली और कुछ मोम डाले हैं, मोम मतलब वो ही अजवाइन जैसा जो रहता है। कुछ भी बना रहे हैं ना, दिखाएंगे ना लास्ट में, वीडियो लास्ट देखिएगा तो ही पता चलेगा। अच्छा, शुरुआत कर रहे हैं बनाने का, पता नहीं क्या बना रही हूँ मम्मी, पर जो भी बना रही है पक्का इंटरेस्टिंग बना रही होगी ना माँ? बहुत खुश है मम्मा आज। हमने आज बना रही हूँ मैं अगरोटा, आप लोग देख के अंदाजा लगा लीजिएगा। तो देखिए हमने सब सान लिया अच्छा से, इधर मैं कुछ करके हम रख ली हूँ, इधर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, इसमें तेल गर्म हो चुका है, तब मैं इसमें डाल रही हूँ, हाथ बचा बचा के हमें सब ट्रांसफर करना है। खाने का मन कर रहा था, सोचे कि फिर सावन आ जाएगा तो कढ़ाई चढ़ाई नहीं बनेगा, जिसकी वजह से मैं बना के पहले ही रख ले रही हूँ। आप लोग को क्या क्या पसंद है, आप लोग क्या क्या बना कर रख लिए हैं अपने घर में, हमें कौन मिस लेकर जरूर बताइएगा। आप लोग सावन में कढ़ाई चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, एमी कुछ छानते वगैरह सब हैं कि नहीं सावन में? हम लोग के यहाँ तो कुछ चढ़ाता नहीं है, तो पहले ही मैं छान के बना कर रख ले रही हूँ, ताकि बच्चे लोग को खाने के लिए मन कर रहा था, मैं पहले ही बना के रख दे रही हूँ। तो देखिए इधर कितना अच्छे से बन रहे हैं, देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी,
मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये ठंडा होगा ना तो और क्रिस्पी हो जाएगा। इधर मैं गैस कर देती हूँ लो, मीडियम आंच पे मैं इसे फिर से फ्राई करूँगी तेल में। ये सब ना तो मीडियम आंच रहेगा तो ही अच्छे से क्रिस्पी बनता है। तो ऐसे ही करिएगा ना तो ऊपर से क्या होता है ना कि झोला जाएगा और अंदर से क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। देखिए कितना सुंदर से बन रहे हैं। देखिए बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। आपको गर्मी लग रहा था बेटा? सब कपड़ा तो सब खोल दिए हैं। इधर मनु राइटिंग लिख रहा है, रखिए यहाँ पे दिखाइए। क्यों देखो मनु मेरे लिए कुछ राइटिंग लिख रहा है, मेरे ऊपर लेख लिख रहा है, इसलिए भी नहीं दिखा रहा है। सरप्राइज है। चलिए ठीक है रखिए। इधर अभी आए नहीं है। फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही मिलते हुए नहीं बोला जाता था। टेक केयर एंड बाय दोस्तों एंड गुड नाइट। हर हर महादेव लिखना जरूर भूलिएगा मत। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।